स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किसका, प्रश्नावली 5.2 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक 1 से लेकर के 8 तक कल ही डिस्कस कर दिया है, इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-8 मैंने पहले ही डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स बराबर वन पर क्या है, अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है, हमको ये सवाल जो है डिफरेंसिबिलिटी चेक करने पर है। ठीक, मेरा आप टेस्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी वाला लेक्चर देखें तो उसमें दिया हुआ है सर, टेस्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी वाला अगर मेरा वीडियो देखें तो उसमें हम बताए हुए कि एलएसडी अगर आरएसडी के बराबर हो किसी पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। एलएसडी आरएसडी क्या होता था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अगर हम लोग एक्स बराबर ए पर चेक कर रहे हैं, ये हो जाता था एफ ए माइनस एच घटाओ एफ ए अपॉन माइनस एच। और आरएसडी क्या होता था सर, लिमिट एस टेंड्स ये जीरो प्लस है, एस टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ए प्लस एच घटाओ एफ ए अपॉन कितना एच। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए सर, अगर एलएसडी और आरएसडी दोनों इक्वल होता है किसी पॉइंट पर तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल। बट अगर अनइक्वल हो गया तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ, वैसे मैंने इसको पहले ही बता दिया है क्वेश्चन नंबर 9, फिर एक बार बता रहा हूं। मैंने बताया कहाँ है, टेस्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी नाम से मेरा लेक्चर है, उस लेक्चर को जाकर के देखिए, उसमें मैंने बताया है डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें एग्जांपल के रूप में मैंने यही ले लिया था। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन, आपका एक्स किसको बिलोंग करता है, आर को, एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, डिफरेंसिएबल नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे सर। सबसे पहले सर हम लोग चेक करेंगे एट एक्स बराबर वन एल एच डी, तो एल एच डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस वन माइनस एच घटाओ एफ वन अपॉन कितना सर, माइनस एच। वन माइनस एच ना है जी, एक्स के जगह पे क्या आ गया बोलो, एक्स के जगह पे आ गया वन माइनस एच। तो यहां भी अंदर में एक्स के जगह पे क्या डालोगे, वन माइनस एच। आइए माइनस वन तो माइनस वन डाल दिए सर, माइनस एफ वन ना है, एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे, वन डाल दोगे, तो यहां आपका वन हो जाएगा सर, वन माइनस वन अपॉन माइनस एच है सर, तो माइनस एच रहने दो भाई, ये आपका सॉरी यहां लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस देना मत भूलिएगा, ये आपका लिमिट एस टेंड्स टू क्या है, जीरो प्लस, ये आपका हो गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस। अब एक एक तो कैंसिल हो गया, यहां भी एक एक क्या हो गया, कैंसिल। अब मॉड ऑफ माइनस एच घटाओ, वन में वन गया जीरो, जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है सर, अपॉन माइनस एच, ये क्या आ गया सर, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मॉड माइनस एच है और एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो प्लस को, यानी पॉजिटिव है, और कोई पॉजिटिव नंबर जब मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा सर, यानी नेगेटिव ये माइनस है तो पॉजिटिव बन करके निकलेगा, एच नीचे है माइनस एच, एच एच कैंसिल हो गया, ये कितना गया, माइनस वन आ गया। आइए आर एस डी निकालते हैं सर, ये एल एस डी निकल गया, अब आर एस डी निकालते हैं। अब आप इसको दो नोट कर लिए होंगे, पहले भी मैंने बता दिया है तो इसको हम मिटाते हैं। आइए सर आर एस डी क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ वन प्लस एच, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन कितना एच। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस हो गया, एफ वन प्लस एच ना है। अब देखो जहां एक्स था वहां क्या आ गया, वन प्लस एच आ गया। अब रखो वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन है सर, एक्स के जगह पे क्या आ गया, वन आ गया, यहां रखो वन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा एच।
अब जरा बोलो, ये वन वन तो कैंसिल हो गया, वन माइनस वन होगा ना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस। अब जरा बोलो मॉड एच, अंदर में सिर्फ एच ही ना बचा जी, मॉड एच का वैल्यू कितना, एच ही तो होगा सर, एच माइनस वन में वन चला गया जीरो, मॉड जीरो बराबर जीरो होता है, एच माइनस जीरो बटे कितना एच, ये आपका आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, एच में जीरो घटेगा तो कितना होगा एच होगा, एच बटे एच, एच एच कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया सर वन आ गया। तो ये आपका देखिए तो एल एच डी आ गया सर माइनस वन, और आर एच डी कितना आ गया प्लस वन सर, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, अनइक्वल है सर, एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, तो फंक्शन एक्स बराबर वन पर जो है वो अवकलित नहीं है, लिखेंगे चूंकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए एफ एक्स जो है वह एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है। तो प्लीज आप इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, तो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जीरो से बड़ा है एक्स, तीन से छोटा है एक्स, एक्स बराबर वन तथा एक्स बराबर टू पर अवकलित नहीं है। चेक हमको कहां करना है सर, एक्स बराबर वन पर चेक करना है और एक्स बराबर टू पर चेक करना है। जरा ध्यान से देखो, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स बराबर वन पर जरा चेक कीजिए, तो कैसे चेक करेंगे सर, एल एच डी निकालेंगे, आर एच डी निकालेंगे, एल एच डी निकालो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, सॉरी एच टेंड्स टू जीरो प्लस, एफ वन प्लस एफ वन माइनस एच घटाओ एफ वन बटे कितना सर माइनस एच, लिखोगे अब चलो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ वन माइनस एच घटाओ एफ वन बटे कितना आ जाएगा माइनस एच। अब चलो अब क्या करोगे सर, तो सर ये तो लिख दिए, अब इसको जरा चेक कीजिए, तो एफ वन माइनस एच पहले इसका वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स के जगह पे कितना वन माइनस एच रख दिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एच घटाओ, और सर एक्स के जगह पे क्या आ गया बोलो बउआ, वन आ गया जी, वन आ गया, तो एफ वन बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कितना वन बटे कितना सर माइनस एच बटे माइनस एच हो गया। अब चलो ये आपका सर आ गया एच टेंड्स टू जीरो प्लस है ना, एच टेंड्स टू जीरो प्लस वन माइनस एच। अब देखो सर एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, अब बताइए जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू जब वन में घटाएंगे, देखो वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 टू या वन कुछ घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, जीरो पॉइंट जीरो 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 एट नाइन कुछ आएगा, इसका मतलब इतना आ जाएगा सर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। तो वन माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस तो लिखवे कीजिए, जीरो लिखेंगे सर, माइनस और किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वही रह जाता है वन बटे माइनस एच है, तो माइनस एच रख दो मेरे भाई, तो ये आपका कितना, अब ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सॉरी तो ये माइनस एच है, एच किसको टेंड कर रहा है जीरो को, तो वन बटे जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा सर, देख दिखा देते हैं एक बार, माइनस वन बटे माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब सर वन बटे जीरो आ गया तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो एक्स बराबर वन कितना आ गया सर इन्फिनिटी आ गया। आई एल एच डी, आई आर एच डी, आर एच डी क्या हो जाएगा जरा बोलो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन कितना हो जाएगा एच,
चलो मेरे भाई अब निकालो तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस एफ वन प्लस एच सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना वन प्लस एच, घटाओ कितना जरा बोलो एफ वन ना है जी एफ वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बटे कितना हो जाएगा एच। ये जरा बताना मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, एच किसको टेंड कर रहा है जीरो को टेंड कर रहा है, एच किसको टेंड कर रहा है जीरो को, तो चलिए वन प्लस एच, तो वन में कुछ भी जोड़ेंगे सर तो 1.000009 समथिंग आएगा, तो सर तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा एक ही ना होगा, तो यहां क्या लिखेंगे सर एक लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस ये आपका कितना आएगा एक माइनस यहां कितना वन, वन का तो वन ही रह जाएगा सर, नीचे कितना सर नीचे है आपका एच, ये तो आ गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस ये जीरो बटे कितना सर एच, ये तो आ गया सर जीरो, ये आपका कितना आ गया जीरो, हम देख क्या रहे हैं सर एलएसडी आ गया इन्फिनिटी और आरएसडी आ गया जीरो, दोनों इक्वल है क्या नहीं है, एलएसडी इज नॉट इक्वल टू आरएसडी, एलएसडी जो है सर वो आरएसडी के बराबर नहीं है, इसलिए एफएक्स जो होगा सर एफएक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, इसी तरह हमको एक्स बराबर टू पर चेक करना है, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए तब एक्स बराबर टू पर हम चेक करके बताते हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, क्या कहता है एक्स बराबर टू पर अवकलित नहीं है ये चेक करना, आइए एट एक्स बराबर टू सर एक्स बराबर टू पर एलएसडी निकाल दो मेरे भाई, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस एफ टू माइनस एच घटाओ क्या हो जाएगा बोलो एफ टू बटे एच होगा, अब चलो x के जगह पे क्या आ गया 2 माइनस एच, तो यहाँ भी x के जगह पे क्या रखेंगे बोलो मेरे भाई 2 माइनस एच, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस 2 माइनस एच घटाओ 2 अपॉन कितना जरा बोलो h हो जाएगा, आइए तो ये आपका सर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस कर दो 2 माइनस एच सर 2 में कुछ घटाए तो 1 पॉइंट समथिंग ही ना आएगा, 2 में कुछ 0 पॉइंट समथिंग घटाए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सर तो वन पॉइंट समथिंग का वैल्यू ध्यान से देखो एच क्या है बउआ जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है सर, यानी टू में घटाना है हम लोग को जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 0.0009 ऐसा घटाना है तो 0001 घटाना है तो ये क्या आएगा 1.000009 आ जाएगा ऐसा ही कुछ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो चलिए टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा वन, इसी तरह कोई पूछेगा थ्री माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना बोलेंगे थ्री में वन घटा दीजिए टू, फोर माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जरा बताइए तो कितना तीन हो जाएगा, फाइव माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना बोल देंगे चार बोल देंगे, सेवन माइनस एच का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछेगा तो कितना छह, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे सर तो टू माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो गया वन और सर टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना टू, नीचे सर एच है तो एच रहने दो, आइए तो ये आपका कितना आ जाएगा एक में दो गया माइनस एक, एक में दो गया माइनस एक और एच टेंड कर रहा है जीरो को तो माइनस वन बटे जीरो आ गया माइनस इन्फिनिटी आ गया, चलिए बहुत सिंपल है एलएचडी आपका कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी, अब आरएचडी निकालो तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन कितना सर एच, चलिए ये आपका आ गया लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू प्लस एच हो जाएगा ना, एक्स के जगह पे जरा देखो एक्स के जगह पे क्या आ गया टू प्लस एच, तो यहां जब एक्स था तो यहां एक्स यहां टू प्लस एच होगा तो यहां भी क्या टू प्लस एच, माइनस कितना बोलो मेरे भाई टू, नीचे एच है ना अब देखो नीचे एच रख दो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो प्लस, अब देखो क्या करेंगे 2 प्लस एच है रे बउआ 2 में कुछ जोड़ा 2 में कुछ जोड़ा थी कितना हो जाएगा बोलो तो 2.00001 हो जाएगा, तो सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपली, इसी तरह 3 प्लस एच का तब कोई वैल्यू पूछे तो बस 3 बोलना है, 4 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछे तो 4, ठीक आइए सर तो ये तो हो गया 2 लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस 2 माइनस 2 बटे कितना एच, 2 में 2 गया कितना जीरो
जीरो में किसी चीज से भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपका आ गया, आरएसडी भी आ गया सर जीरो, एलएसडी आया माइनस इनफिनिटी, आरएसडी आ गया जीरो। लिखेंगे चूंकि एलएसडी इज नॉट इक्वल टू आरएसडी, एलएसडी जो है वो आरएसडी के बराबर नहीं है, इसलिए सर इसलिए एफ एक्स जो होगा वह एक्स बराबर टू पर भी अवकलित नहीं है, टू पर अवकलित नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था सर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस दोनों सवाल को अच्छे से बनाइए, अच्छे से समझिए, ठीक। और अगर आप समझ जाते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूंगा, आपके बारे में भी दूसरों से भी कहूंगा कि इन बच्चों ने इस पर सरसरी निगाह डाला और काफी अच्छे से समझा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको पहले ही दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करूँगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलज, ठीक। तो कल देखेंगे हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन किसको कहते हैं, एक्सप्लीसिट फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक, ये सारी बातें जानेंगे और सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।